यूपी के बुलंदशहर में तीन मासूम बहन भाइयों को अगवा कर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद हत्यारों ने शवों को 15 किलोमीटर दूर ले जाकर एक ट्यूबवेल में फेंक दिया। तीन बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के कारणों और हत्यारों का सुराग लगाने में जुटी है। सर, धतूरी में तीन बच्चों के शव बरामद हुए हैं, क्या पूरा मामला है सर? ये कोतवाली नगर थाना में एक कंप्लेंट आया कल रात में, ऐसे तीन बच्चों मिसिंग है। इसी में मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, थाना का मुंशी किसी को नहीं बताया, हम लोग का उसी समय बोलना, उसी समय तलाश करना। वो कंप्लेंट मिस हो गई, उसके मैं जांच कर रहा हूँ। सुबह ऐसे जानकारी मिला, वो तीनों बच्चे का बॉडी सलीमपुर थाना एरिया में एक कुआ में मिला है, ऐसे गोली मार करके तीनों का हत्या हुआ। अभी ये परिवार से मैं बात कर दिया, इन्हीं का इसी में एक मृत्यु हुई है बच्चा, उन्हीं का फादर है हफीज सलीम, उन्हीं की व्यू है इन्हीं का फादर का रिक्शेदार है, कोई दोस्त टाइप में, उन्हीं की बेटा है एक सलमान, उन्हीं का पारिवारिक मामला, छोटी छोटी इशू में बहुत लगातार कुछ पारिवारिक मामला चल रहा था। कल अभी रमज़ान महीना चल रहा है, इसी में उन्हीं का नहीं बुलाया रोज़दार, वो पार्टी में सलमान का नहीं बुलाया, इसी में उनका ज़्यादा नाराज था। इनका व्यू है, उन्हीं के खिलाफ इनका डाउट है, हो सकता है ये एस्टेब्लिश हो रहा है, कोई छोटी छोटी पारिवारिक रंजिश में पार्टी में ना बुलाने के कारण नाराज हो करके वो कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ऐसे जानकारी मिला, पिस्टल शो करके परिवार का धमकी कर दिया ये सलमान, अभी इसमें कोके मिला, सभी वो है